हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डिजिटॉक में। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको बैलेंस लॉन्च पूल के बारे में नहीं पता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैलेंस लॉन्च पूल में हैमस्टर कॉइन को जो है लॉन्च कर दिया गया है, तो ईजिली आप जो है हैमस्टर टोकन को जो है ईजिली अर्न कर सकते हो, वो भी फ्री में। जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे, मैंने जो है कुछ FD USD कॉइन जो इसमें स्टेकिंग में लगा दिया है। ओके, तो ये उनके लिए जिनको बेसिकली पता है कि किस तरीके से बैलेंस लॉन्च पूल का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब जिनको नहीं पता या थोड़ा बहुत पता है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। बट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटॉक, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको भी आप फॉलो कर लें। तो बेसिकली करना क्या है, बैनर्स लॉन्च पूल में होता क्या है कि जब भी कोई सा भी कॉइन जो है लिस्टिंग होता है बैनर्स में, तो उसको जो है उससे पहले थोड़ा सा सपोर्ट के पर्पज़ से, यानी सपोर्ट के पर्पज़ से इसे बैनर्स लॉन्च पूल में रखा जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं, जो डिफरेंट यूज़र्स हैं, जो बैनर्स के यूज़र्स हैं, वहाँ पे अपना कुछ जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे FD USD और BNB, यही दो कॉइन का ऑप्शन दिया गया है, इसको क्या करते हैं स्टेकिंग में लगाते हैं, यानी सपोर्ट के लिए कुछ जो अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि ये पैसे जो आपके लॉक रहते हैं। ओके, यानी आपके लॉस में नहीं जाएंगे, वो आपको बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा। बट जब तक ये जब लॉन्च लिस्टिंग नहीं होता है, जब तक ये लॉन्च पूल में रहता है, तब तक वो लॉक रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने जो है FD USD कॉइन, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हो ऊपर में, अराउंड 40.9684 FD USD कॉइन जो है मैंने लॉक कर रखा है, और इसकी मदद से बेसिकली क्या हो पा रहा है कि मैं हैमस्टर कॉइन को अर्न कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ नीचे देख पा रहे हो, अभी तक मैंने 2.14 हैमस्टर कॉइन को अर्न किया। आप जितना ज़्यादा लगाओगे स्टेकिंग में, उतना ज़्यादा आपका अर्निंग होगा। तो ये मुझे दिखा रहा है अनक्लेम्ड एयर ड्रॉप्स पे, तो क्लेम करके मैं इसे, तो आप देख पाओगे माई टोटल एयर ड्रॉप, यानी इतना मैंने अर्न कर लिया। ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में बाद में जब ये लॉन्च पूल ख़त्म हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो इस आपके अकाउंट में ये चला जाएगा। ओके, आपको कुछ करना नहीं होगा, बस इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली इसमें स्टेकिंग के लिए, अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास BNB वाला कॉइन होता, अच्छा BNB अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो ये जो परसेंटेज ऑफ गेन है वो ज़्यादा मिलेगा। ओके, कम्पेयर टू FD USD। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है BNB, अगर BNB मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर लॉक पे आपको क्लिक करना होता है। ओके, तो क्योंकि मेरे अकाउंट में ज़रा से एक भी BNB नहीं है, तो इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास जो है होता अगर BNB, तो इस तरीके से आता कि वहाँ पे आपको ऑप्शन करने आता कितना इन्वेस्ट करना है आपको। हालांकि मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये है कि लॉन्च पूल में बेसिकली आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप अमाउंट जो है स्टेकिंग में लगाओगे। ओके, तो ये जो ऑप्शन है बैनेंस लॉन्च पूल, ये बेसिकली आपका अर्निंग करने का एक नया तरीका है बैनेंस में। तो इसका आप इस्तेमाल करें अगर आप करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, जानबूझ के अगर आपने नहीं किया है, तो वो अलग बात है। ओके, तो बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको फ्री में अर्निंग करना है कॉइन्स, तो जैसे अभी हैमस्टर लॉन्च होगा तो यहाँ पे अगर कुछ भी अर्निंग करते हो तो जो भी उसका प्राइस होगा लिस्टिंग के वक्त, आप उसे सेल कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर मैसेज कर देना। वहाँ पर मैं आपको पर्सनली मैसेज करके अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको समझा दूँगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।